सो अभी गाइस पीछे का व्यू देखो, जबरदस्त है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस अभी इधर आ चुके हैं अपने विक्की मामा जी, ही इज माय मामा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के मामा हैं। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं कैथल, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट सिस्टम। तो गाइस अपना नूरी है, मामा आते रहे हैं, मामा जाते रहे और माँ जी अपना तिलक वगैरह कर रही है मामा जी के। तो सिस्टम मेरे भी कर दिया था लेकिन फैल गया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और इधर मम्मी देख लो सिस्टम, और चाची अपने बर्तन वगैरह साफ कर रही है अभी। तो अभी फ़िलहाल माँ जी बाय नमस्ते, बाय नमस्ते 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 नमस्ते। तो अभी चलो निकल, बाय बाय बाय। चाची रहेगी क्या, आज शक्ल दिखाओ, बाय। सो भी फिलहाल निकलते हैं। अभी गाइज मेरी कटिंग के ऊपर ना जाना, मैंने कुछ नया ट्राई करने की सोची थी, मतलब स्टाइल चेंज करने की, लेकिन कुछ अलग ही हो गया। तो अभी फ़िलहाल आए हुए अपने विक्की मामा जी और मिंकू। तो अभी गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट, तो मामा के पहुंचना तो चाहिए। कल परसों रचित, अमन और सारे आ जाएंगे, तो वहाँ करेंगे सिस्टम। तो अभी माँ जी इधर बैठ चुकी है, ये लोटा लेके। अभी हम जाएंगे ना, माँ जी लोटा लेके पीछे पानी डालेगी, बाय। तो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, अब मज़ा आएगा, भिड़ू भिड़ू मज़ा आएगा। माँ जी सिस्टम कर दो एक बारी, नहीं ऐसे सिस्टम, एक बारी थोड़ा तेज, आवाज़ नहीं आएगी इसमें। हाँ बोलो, हाँ सिस्टम। तो अभी फिलहाल गाइज हम निकल पड़े हैं यहाँ से, अभी पहले जा रहे हैं शोरूम पे, तो उसके बाद सीधा चलेंगे कैथल। तो गाइज अभी फ़िलहाल आ चुके हैं शोरूम पे। तो मामा मिंकू उस दिन आए नहीं थे ना, शिल मामा जी आए थे। तो अभी शोरूम वगैरह देख के फिर चलते हैं आबा कैथल। ऊपर आ चुके हैं अपने वाले में। तो अभी मामा को मामा की काम की चीज़ दिखाई है बाहर। मामा कौन सी पियोगे मामा आप इसमें से, हाँ ये। तो अभी फ़िलहाल मामा अभी थोड़े पैक बुक लगाते हैं इधर, फिर चलते हैं सिस्टम। डाल रहे हैं गाइस ये पूरा बार है, अगर किसी को रेडी करवाना है तो हैवले साहब में कांटेक्ट करें। ये देखो बोटल्स वगैरह ऊपर नीचे चल जाती है, सिस्टम। खाने का चखना दू। तो और गाइस ये टीवी लिफ्ट अप, अभी इसको नीचे कर देते हैं, ये रिमोट से हो जाएगा। देखो भाई नीचे हो जा, ये अभी अपने आप नीचे हो जाएगा गाइस ऑटोमेटिकली। अभी इस टेबल को भी कर देते हैं अपन। सो गाइज अभी निकल पड़े हम कैथल के लिए। फ़िलहाल मामा ने शोरूम वगैरह सब कुछ देख लिया है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं कैथल। और अभी एक दो दिन में रचित, अमन, पार्थ और सब आ जाएंगे, फिर वहाँ चल के करते हैं सिस्टम। हाय मामा जी, सिस्टम। तो अब निकल पड़े हैं, सफर का ही था मैं, सफर का रहा। तो गाइज अभी पहुँच चुके हैं मामा के घर पे, एंड इधर अभी आ चुके हैं सब। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर। ये रही अपनी नानी जी, नमस्ते नानी जी। यू क्या करता है, तो ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो गाइस आ चुके हैं, कल तक रचित, अमन और पार्थ और सारे आ जाएंगे। तो अब सामान वगैरह उतारते हैं। सो गाइस अभी मिलते हैं मामी से, अब मामी को रिवील करते हैं। तो देखते हैं मामी क्या कर रही पाएगी। तो भी चलते हैं ऊपर और मामी ब्लॉग का रिएक्शन देखते हैं। नमस्ते मामी जी, नमस्ते मामी जी। ओए बोली, ओहो ओहो पार्टी। किस बात की, बोर्ड का रिजल्ट तेरा आ गया, मस्त। अच्छा गाइस मामी का ब्लॉग का रिएक्शन देख लिया ना आपने, सारे दिन फोन में ही लगी रहेगी, पढ़ ले। गाइस इसके अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, 12th अभी फेल हो पास हुई है, तो अभी पढ़ती नहीं है, सारे दिन फोन पे बस मेरे पास करती रहेगी, मैं उठाता नहीं हूँ, गंदी। तो भी गाइस कल आएगा मज़ा, जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर करेंगे सिस्टम। अभी मामा जा रहे हैं गुड्डू मिक्की को लेने, वो गए हुए हैं असंद अपने मामा के। तो अभी गुड्डू मिक्की और आ जाएंगे, कल रचित और अहमद साहब आ जाएंगे, तो आएगा मज़ा। मामी हो रही है रेडी। सो गाइज अभी मैंने ना ट्राईपॉड लगा रखा है, पूरा इसका सेटअप बिल्कुल अब सही लग रहा है व्लॉगिंग के लिए, परफेक्ट। तो अभी देखता हूँ क्या करूँगा आज, तो बाकी शायद मैं वीडियो वगैरह बनाने चला जाऊँ, क्योंकि ना अभी यहाँ कोई आया तो हुआ नहीं है। बोली के साथ तो क्या ही टाइम पास करूँगा, ये तो कैंडी क्रश में लगी पड़ी है अपना। तो अभी देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब मिक्की गुड्डू आ जाएंगे 2 घंटे तक लगभग। तो अभी फिलहाल ये दवाइयों पे चल रही है गाइज, ये दवाइयों पे चल रही है इसकी ज़िंदगी। लाइफ इज़ नॉट ईजी गाइज, लाइफ इज़ नॉट ईजी। मैं जा रहा हूँ तो घर पे तो अभी टाइम पास होगा, लेकिन फिलहाल तो शुरू में चलते हैं तो निकल पड़े अभी फिलहाल। तो गाइज अपने सुशील मामा की शॉप पे आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल मामा साथ बैठ के इधर लकड़ियाँ बेचते हैं। तो गाइज अभी मामा तो इधर अपना मस्त सो रहे हैं। तो अभी मैं साइकिल अभी ठीक करवा के लाया मस्त नया, तो अभी साइकिल पे चलते हैं। अब घर पे साइकिल लेके वहीं मिंकू पहुंच गया अभी घर पे, तो घर ही चलते हैं अब। और ये नाना जी कितने सालों से हो नाना जी हमारे साथ? मैं 33 साल से। 33 साल से गाइज नाना जी हमारे साथ है, सिस्टम हैंग कर रहे हैं। ये यूट्यूब पे दिखेगी। अच्छा, और पूरे ऑस्ट्रेलिया तक दिखाओ, मामा दिखाएंगे अब पासाओ जी को। ऑस्ट्रेलिया दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया, अब अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कहीं देख लो, कश्मीर में देख लो, शिमला पे। अभी देखना, अभी कल आ जाएगी आपके 3 बजे। तो गाइस नाना जी को वायरल करते हैं। गाइस काफ़ी टाइम बाद साइकिल चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वहाँ तो है नहीं, साइकिल ख़राब वगैरह हो गई थी तो यहाँ पे अभी मामा ने ठीक कराई है। तो अभी घर से तो थोड़ी दूर पे ही थी दुकान, तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ घर पे। तो अभी इसमें स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रही क्योंकि साइकिल हिल रही है ना, तो और मेरे वाले में स्टेबलाइज़र भी नहीं है, तो ऐसी क्लिप्स आ रही है कुछ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर। सो गाइज अभी मैं आ चुका था घर पर और अभी लंच कर लिया है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ हुंडई के शोरूम में, मिंकू को कुछ काम कराना है वरना में। एंड अभी मैं वहाँ वीडियो भी शूट करके आनी है मुझे, न्यू वरना की भी, i20 वगैरह की भी, तो वहाँ चलते हैं अभी फ़िलहाल। अपना गिम्बल वगैरह ऑल सेट, सिस्टम सेट, तो अब निकलते हैं। सो गाइस इधर अभी अपनी हो चुकी है वरना रेडी। तो अभी अपनी पार्किंग है, मतलब सामने वाला प्लॉट आपने सर्दियों वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी आप कर देते हैं गेट वगैरह अनलॉक। तो गाइस अभी वरना अपनी चलने के लिए रेडी 4000। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल। और अभी 1 घंटे तक मिक्की गुड्डू और भी आ जाएंगे, तो फिर करेंगे सिस्टम। अभी आ चुके हैं हम फिलहाल शोरूम में। तो अभी गाड़ी तो दे दिए ठीक करने के लिए, तो अभी इस कार की वीडियो बनाते हैं। अभी इस कार की वीडियो शूट करके और वो गाड़ी 2 घंटे तक मिल जाएगी, इतने वीडियो शूट वगैरह होगी। तो उसके बाद चलेंगे घर पे, अभी शूट करते हैं न्यू वरना की वीडियो, ये आप टेस्ट ड्राइवन वाले चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो गाइज अभी हो चुकी है इस वाली वरना की शूटिंग कम्प्लीट, तो अभी आपको टेस्ट ड्राइवन वाले चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और ये बालों का पता नहीं क्या करूँ, जब तक सेट है तो सेट है, जब खराब हो जाते हैं तो ये देख रहे हो अभी क्या हो रखा है बालों का। तो अभी फ़िलहाल गिम्बल को अपना रखते हैं केस वगैरह में, अभी वरना हो जाएगी 10-15 मिनट तक रेडी, फिर चलते हैं घर पे। सो गाइस अभी वरना की टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं न्यू वाली वरना की। मिंकू भाई जी अपने साथ आए हुए हैं, तो अभी कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं। तो अब चलते हैं उस कार की टेस्ट ड्राइव लेने और देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उसी चैनल पर। सो गाइस अभी फ़िलहाल चलते हैं टेस्ट ड्राइव लेने, इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं उस वाले चैनल पे। सो गाइस अभी मिंकू ड्राइव कर रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है मिंकू अपने वाले से कंपेयर करे तो? अपने वाली बढ़िया, वो 4000 है इसलिए। तो अभी फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव ले लिया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका ऑल ओवर। वो बाकी आपको टेस्ट ड्राइव वाले चैनल पर देखने को मिल जाएगा इसका। तो अभी ये गाड़ी चल रही है 120+, तो लेकिन इसमें पता नहीं लग रहा, तो फिलहाल चलते हैं घर पे। सो गाइज अभी हो चुके हैं सारे काम, मैंने वरना की वीडियो शूट कर लिया है एंड इधर अपनी वरना भी ठीक होके आ चुकी है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पे घर पे, वहाँ पे मिक्की और भी आ चुके हैं, सब वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज अब फिलहाल निकल पड़े हैं यहाँ से, अभी मिंकू भी आ चुका है और गाड़ी अपनी आ चुकी है रेडी होके, वरना की वीडियो शूट, ऑल सिस्टम हैंग। तो फिलहाल निकलते हैं घर पे। तो अपना नुई है गाइस, सिस्टम हैंग करते रहे हैं। तो अभी सिस्टम हैंग करने जा रहे हैं कहीं पे, घर पे ही, वहाँ करेंगे सिस्टम। तो अब चलते हैं फिलहाल। गाइस अभी पहुँच चुके हैं घर पे, करते हैं गाड़ी पार्क। तो अभी फिलहाल ड्राइवर एक्सचेंज हो गया था रास्ते में, तो अभी हम इनको कर रहा है गाड़ी पार्क। और ये आ चुकी है पट्टू, जाए ही नानी के। अब मैं अपनी नानी के आ गया। कैसी है तू, कैसी है? साइकिल चलाते निकल पड़ी, अभी अभी आई है। सो गाइस अब बबीता मामी का रिएक्शन देखते हैं ब्लॉग पे, तो अब चलते हैं बबीता मामी को। नमस्ते मामी जी, नमस्ते मामी जी, नमस्ते मामी, नमस्ते मामी। सामान खिंडा ऐसे ही रहेगा। तो अब लेके आए हो आपकी माँ ने दिया आपको इतना सामान है तो इसमें दिखाने में क्या बुराई है। नमस्ते मामी जी। सिस्टम अब करेंगे तो भाई अब अपनी धीरे धीरे गैंग पूरी हो रही है। मामी भी आ चुकी है अपनी गैंग में। तो अभी रचित, अमन, पार्थ, अनुवासी, सुमन मौसी तो अभी सारे आ जाएंगे कल तक। फिर क्या करेंगे मामी? सिस्टम अपना लू ये गाइस सारे इकट्ठे होते रहे, मौज करते रहे, पार्टी शार्टी करते रहे। और गाइस बल्ले शल्ले मामी अपने माँ की कराई बल्ले शल्ले और हमने मामी के करेंगे हम बल्ले शल्ले। हैं पटू मजा आया? इधर ज्यादा मजा आएगा ना आप सारे। सो गाइस अभी मामी आई थी असंध से अपनी वाके से। तो अभी फिलहाल मैंने जैसे ही ब्लॉग का रिएक्शन शूट करा तो मामी का सामान वगैरह बिक रहा होगा। तो मामी बोली सामान बिक रहा है, सामान बिक रहा है। वो क्लिप ना दिखाई हो, लेकिन अभी सिस्टम सेट है, कुछ भी नहीं आया, थोड़ा बहुत तो आया, इतना चलता है। गाइज आपको डायलॉग याद है कि नानी का? भी सुनाता हूँ। नानी बोलना, थोड़ा तेज बोलो। अरे मोना के ठीक है जा तू ब्लॉग ना बनावे। हाँ सही सिस्टम। ये सारे इधर पड़े रहते हैं। अब नानू ही है, मम्मी, मिंकू चाय मिठाई खाते रहे, सिस्टम हैंग करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। अब नानू ही है गाइज। गाइज अभी हो चुके हैं शाम एंड नाउ वी आर गोइंग ऑल। तो अभी पार्क चलते हैं सभी बच्चे। और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास कुछ करने को। मिक्की माउस, कन्नू, पट्टू एंड मी तो अभी चलते हैं पार्क। सो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं पार्क के लिए। मैं, कन्नू, मिक्की, गुड्डू और ये अब दूसरे का नाम मुझे आता नहीं बोलना। हाँ ये होए बहुत नाम याद आ गया, पट्टू। तो अभी हम चलते हैं सारे बच्चे बच्चे पार्क में। तो आपको एक्सप्लोर कराता हूँ कैथल थोड़ा बहुत, बाकी तो कुछ है नहीं। ये सब नानू ही है, घूमते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मौज उड़ाते रहे और गाड़ी चलाते रहे। और गाइस सबको दिल से प्यार है आपको। हाँ तो अभी फिलहाल चलते हैं। मेरे मामा की अभी हम सब पहुंच चुके हैं पार्क और वो सारे उतर चुके हैं। तो मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, वो पट्टू आप देख ही रहे हो। तो अभी फिलहाल चलते हैं पार्क के अंदर, इसमें बड़ा सा लेक है। सो गाइज अभी हम सब आ चुके हैं फिलहाल बच्चा पार्टी पार्क में। तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ लेक। जैसे ही सारे में ब्लू बर्ड वगैरह मतलब सही है वैसा यहाँ पे लेक है अभी फिलहाल। तो अभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है इस पार्क में, हरियाली भी है गाइस बहुत ज़्यादा। तो बाकी डिफरेंस मुझे नहीं पता हरियाली और ग्रीनरी में क्या हुआ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं लेक के पास, दिखाता हूँ। गाइस ये देखो अभी आ चुके हैं हम सनसेट देखने। सनसेट तो फ़िलहाल यहाँ से नहीं दिखता और अभी थोड़ा सनसेट डल चुका है, सनसेट हो चुका है बेसिकली। तो अभी फ़िलहाल लेक देखो, ये है कुछ यहाँ का लेक का व्यू। काफ़ी मस्त लगती है सुबह के टाइम पे और काफ़ी फ्रेशनेस होती है। बाकी यहाँ शिव जी की मूर्ति है अपने, ओम नमः शिवाय बम बम बोले। और इस लेक में ना फिशेस भी है काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा इतना बड़ा है, ये सुखना लेक की तरह बहुत बड़ा है। मतलब सुखना लेक तो ज़्यादा बड़ा है। और ये देखो ताजमहल भी बना हुआ है यहाँ, वहाँ पे आपको मैं रेड फोर्ट टाइप का बना हुआ है ताजमहल, तो क्या कह रहा हूँ। और काफ़ी बड़ी हवा चल रही है इधर। तो भी आपको पीछे का व्यू देखो ज़बरदस्त है। सो भी मतलब यहाँ सही काफ़ी फ्रेशनेस भी फील होती है कि वहाँ ग्रीनरी वगैरह भी और लेक वगैरह भी। तो काफ़ी सही सीन है यहाँ पे। शाम को आ जाओ अपना मस्त चिल वगैरह करो, सारे इकट्ठे हो जाए ना, या कुछ भी खेल लो या कुछ भी कर लो, तो बिल्कुल सही है। तो अभी फिलहाल चलते हैं जो इसका मेन पार्क है वहाँ पे। इधर देखो ये व्यू आ रहा है ना नेक्स्ट लेवल शाम के टाइम पे। और इसमें बोटिंग भी होती है, काफ़ी अच्छा लेक है, काफ़ी बड़ा है। तो अभी फिलहाल चलते हैं घूम के उस साइड। गाइस ये देखो ये है रेड फोर्ट। सो भी गाइस पीछे का व्यू देखो ज़बरदस्त है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ सबने थंबनेल वगैरह ले लिया बैठ के मस्त। सो गाइस अभी आ चुके हैं मेन पार्क में इधर। तो ये चिल्ड्रन पार्क है कैथल का, फेमस पार्क, सबसे बड़ा पार्क यही है विद लेक एंड सारे कुछ। यहाँ स्लाइड्स वगैरह भी है और इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स भी है, ट्रेन वगैरह एंड ऑल। तो अभी उस साइड चल के देखते हैं। अब थोड़ी देर घूम फिर के फिर वापस घर चले जाएँगे, क्योंकि अब हम अकेले ही है, मतलब कि 4-5 ही है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। पट्टू तो छोटी है वैसे भी, क्या ही तो करेगी। तो अभी फ़िलहाल घूम लेते हैं ऐसे ही। सो गाइस अभी आ चुके हैं फिलहाल हम स्लाइड्स पे, यहाँ गुड्डू और मिक्की वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है तो जय श्री राम। तो अभी वहाँ पे वो भी है जो ट्रेन वगैरह होती है चलने वाली, तो अभी फिलहाल सही है। इसमें क्राउड देखो इस टाइम पे आप पार्क में, काफ़ी अच्छा क्राउड है। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं पार्क वगैरह से, गुड्डू और ने स्लाइड वगैरह ले ली थी तो ऐसे ही घूमने फिरने आए थे और तो घर पे क्या ही करना था। तो अभी फिलहाल लेक रात को कुछ ऐसी लग रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है, सही लग रही है। तो अभी फिलहाल चलते हैं कुछ खाने पीने, शायद ये पट्टू और बोल रहे हैं कुछ खाना है तो देखते हैं जो भी होगा, उसके बाद फिर चलेंगे सीधा घर पे। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं कुछ खाने पीने पार्क के बाद, ये पट्टू बोलने लगी खाना है खाने, कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर, लास्ट में जाके खाई इसने पाव भाजी। तभी ये पाव भाजी एंड रोल खा रहे हैं, उसके बाद खा पी के चलते हैं। अभी हमने सबने खा लिया है थोड़ा थोड़ा, मतलब पेट ही भर गया ऑलमोस्ट सबका थोड़े थोड़े में। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं सब घर पे, तो घर पे चल के मामी और शादी करते हैं थोड़े बहुत मजे। तो फिलहाल आज मुझे 2 की एडिटिंग भी करनी है, व्लॉग की भी एंड गाड़ी वाले की भी। कल आपको 3 बजे देखने को मिल जाएगा व्लॉग। एंड अभी गाइज आज मैं जब पार्क में शूट कर रहा था ना, लोग भाई क्राउड तो वैसे ही था, तो भाई सारे लोग तो मतलब ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कौन आ गया। कन्नू कैसा रिएक्शन था पब्लिक का? बहुत बढ़िया था। हाँ सही में वो मिक्की वाली बात, सर पे ईंट मारने को हो रहे थे लोग, कौन आ गया ये वीडियो क्यों बना रहा है यहाँ पे, पागल है क्या? शायद गाइज उनको यूट्यूबर का सिस्टम नहीं पता जो बड़े बड़े होते हैं। मेरा तो कुछ सिस्टम नहीं है, मैं तो एक 1+ का फोन टांग के ट्राइपॉड में हेलो गाइज ऐसा करता चलता बनता हूँ। कोई नहीं गाइज जल्दी अपना भी सिस्टम होगा। तो फिलहाल चलते हैं घर पे। और सारी जगह तिरंगे वाली लाइट्स लगा रही है, हिसार में भी, कैथल में भी, ऑल ओवर शायद हरियाणा में। तो काफ़ी सही है, गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। मुझे मतलब अब समझ आया गवर्नमेंट अच्छे काम भी करते हैं तिरंगे लाइट लगाने के बाद। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर पे। सो गाइज अभी क्या बोलते हैं बोलते हुए सो भी नाम आ गए थे घर पे। मैंने घर पे आके व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैंने थोड़ा बहुत एडिट कर लिया था। कन्नू अपना खा पी के चेंज करके आ गई है, तो अभी कन्नू को ड्राइविंग करवा के लाते हैं, मामा जी का ऑर्डर है तो अभी थोड़ी खाली रोड पे ड्राइविंग करवा के लाते हैं। तो चलते हैं अभी फिलहाल। और दिल धड़क तो मामी आ गई है पूछना, तो अभी चलते हैं। सो गाइज अभी तक तो सही सलामत है क्योंकि मैं चला रहा था, अभी ये कन्नू से चला रही है पूरी 5 फुट की। तो अभी सिस्टम हैंग होने वाला है, तो आराम से बैठ के चलवा देते हैं इसको। बाकी इसने कोर्स कर लिया ड्राइविंग वाला जो होता है, तो अभी चलाती है ये फिलहाल, मतलब प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस करवा लेते हैं अभी फिलहाल। तो चलते हैं यहाँ खाली रोड पे। सो गाइज अभी आ चुके हैं कन्नू जी ड्राइविंग सीट पे, तो फिलहाल चलते हैं। सो गाइज अभी कन्नू बोली चला रही है गाड़ी, ऑलमोस्ट अभी तक खाली रोड है बिल्कुल, तो अभी तक ठीक चला रही है। मार्केट में तो मैं इसको लेके भी जाऊँगा वैसे। सो अभी थोड़ी दिल की धड़कने कम हो चुकी है, इसको इंडिकेटर देना सिखा दिया मैंने आज फिलहाल, क्योंकि लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत ही होती है लगाटियाँ, हम इसलिए बोलते हैं। उनका दिमाग होता है घोड़ों में, और वो जब गाड़ी चलाती है तो देगी लेफ्ट का इंडिकेटर, काट देगी राइट, फिर कहेगी ओह इट वाज नॉट माय मिस्टेक, ऐसे फिर वो लड़ने बैठ जाएगी। आपको पता ही है कैसे लड़ती है, फिर लड़ गया, यही सीन होता है इनका। तो अभी सिखा तो दिया इंडिकेटर, पता नहीं अब बाद में तो वही वाला बात है, भगवान भरोसे। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे, कन्नू ने ऑल ओवर काफी सही चलाई। तो अभी फिलहाल चलते हैं आप घर पे। मामा को उठा दिया विक्की ने, बच्चे ऐसे लग रहे हैं मामा इसके सामने। सो गाइज अभी आ चुके हैं कन्नू की ड्राइविंग करवा कर वो के। कन्नू आते ही पानी पी लिया, इसकी भी दिल की धड़कने तेज हो गई कुछ गाड़ी चला के। मिक्की की दिल के धड़कने तेज थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो टेंशन फ्री था यकीन है, मैं सो रहा था। तो अभी फिलहाल बस आज के ब्लॉग में करते हैं यहीं पे एंड।